मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में 2,840 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 30 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 1,850 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में है, जहां आंकड़ा 18,321 तक पहुंच गया है। अब तक जिले में 479 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल की अगर बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 13,902 पहुंच चुका है। वहीं 339 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में आंकड़ा 8,255 तो वहीं 91 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 72,000 के करीब मरीज स्वस्थ हुए हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 96,000 के पार मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। ऐसे में अब उपचुनाव भी नजदीक है, राजनीतिक रैलियां भी होंगे। अनलॉक 4 के बाद से जो छोटी मोटी चीजें बची हुई थी उनमें भी रियायतें मिल गई हैं। ऐसे में हम अनलॉक करते जा रहे हैं, कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। आम जनता को तो शुरुआत से ही समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या स्थिति काबू में है? हाँ बिल्कुल गुंजन, देखिए ऐसा लगता है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल एक और मामला निकल कर आया था धार के पास का, उसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आखिर क्या सच में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं ये सही हैं, या फिर ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं और उन्हें पॉजिटिव बता के अस्पतालों के अंदर भर दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं चिंता का विषय जरूर है। लेकिन एक और बात में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 85% मध्य प्रदेश के अंदर रिकवरी रेट है वो राजधानी भोपाल का निकल कर आया है कि यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज है, दूसरे नंबर पर ग्वालियर है जहां पर पूरा राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, तीसरे नंबर पर भोपाल है जहां पर मरीजों की संख्या है। तो ऐसे में यह भी देखना होगा, क्योंकि कल धार का जो हमने मामला देखा था धार के पास का, कि 15 से 20 लोग जो कि नेगेटिव थे लेकिन उनको पॉजिटिव बता के जब अस्पताल भेजा गया और बाद में जब उनकी जांच की गई तो वो नेगेटिव पाए गए। तो अब आंकड़ों पर कहीं ना कहीं डर लगता है लोगों को कि जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं वो सच में सही हैं, या फिर इसमें कई ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं लेकिन वो पॉजिटिव होकर अपने घर जा उनको अस्पताल में रखा गया है। तो तमाम चीज़ों पर फोकस है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है क्योंकि इस तरह से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं ये जल्द ही 1,00,000 तक पहुँचने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर 1,00,000 तक मामले पहुँचेंगे तो कोरोना मध्य प्रदेश में पहले से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और ऐसे में इसे संभालने के लिए जो प्रयास सरकारों को करना चाहिए उससे और ज़्यादा प्रयास अब करने पड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले ही भोपाल के अंदर एक व्यापारी ने आत्महत्या की थी और उसने ये अपने पूरे सुसाइड नोट में लिखा था कि लॉकडाउन के चलते उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और अब वो पूरी तरीके से इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने परिवार का पालन कर सके या फिर लोगों से जो उसने पैसा लिया था व्यापार शुरू करने के लिए वो दे सके, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो सरकार भी ये स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि लॉकडाउन अब देश में नहीं लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन देखिए इसके लिए जो दूसरे नियम है उसको कहीं ना कहीं अब आगे निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 हज़ार ही प्रतिदिन भोपाल के अंदर नहीं आ रही, या 200 या 300 ही एक दिन के अंदर किसी एक शहर में नहीं आ रहे हैं। अगर प्रॉपर इसकी जांच हम देखें कराएं तो कम से कम नहीं तो एक दिन के अंदर का जो आंकड़ा है 5 से 6 हज़ार भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है ना जितेंद्र, के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार भी अपना स्टैंड साफ कर चुकी है, आम जनता समझने को तैयार नहीं है। तो क्या जैसी स्थिति चल रही है उसे वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या हालात ऐसे ही बेकाबू होते रहेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।